पटवारी बैठक एक बार फिर तुसा की जी आखने असं बैठका अज तशरीफ रखने जनाब शरीफ शाह साहब तो मैं भी शराजा साहबा असं इन्होंने दोनों नाल गलबात करने पे जी शाह साहब गलों का सिलसिला उतों ही फिर एक बार शुरू करने जितू त्रुटा सर मैं अर्ज पे करना सा भाई उस वेले एक तो वजह यह सी कि लोगों च कम करने का जज्बा सा सही बड़ी मेहनत नाल बड़ी लगन नाल बंदे काम करने से दूई शायद वजह यह भी सी कि उस वेले होर कोई जरिया जिस तरह मैं अगर अर्ज की ज्यादा मुअसर जरिया जरा रेडियो तो इलावा कोई नहीं सा तो असा फिर महसूस करने से कि चूंकि असा लोगों की प्रोग्राम देना असा लोगों की कोई चीज देनी तो असा की कोई अच्छी चीज ही देनी चाहनी है लिहाजा फिर असा उसने अपनी मेहनत करने से और मैं नहीं समझना कि पठवार ने कोई ग्रां बड़ा मशहूर पूरे अटक तो कि नहीं था जेलम तक कोई रही गया वह जिथे मैं ना गया हो अपनी टीम नाल और वो इस वास्ते गया दसना होने से कि असा उत्थे गच्छी तो उस ग्रह ने मसायल उस ग्रह में होने वाले काम उस ग्रह की तरक्की उस ग्रह की सकाफत उसने पेशे उसने विच जिहड़ियां जिहड़े काम होए वे जिहड़ियां जिहड़े स्कूल वे जिहड़ियां डिस्पेंसरियां हियां उसने बारे कितना काम हो चुकिया नहीं हो चुकिया मसायल ये सारे मसायल ये सारे असा उत्थे रिकॉर्ड करी तक आने फिर एडिट करी तक असा उसकी नशर करने होने से उसका नतीजा यह होया कि तकरीबन रेडियो को मीडिया को ना तो कोई ऐसा अख्तियार है कि वो पुलिस आला या कोई अख्तियार कि जिसने जरिया वो काम कराई सके ना रेडियो या टेलीविजन को या किसी इदारे को मीडिया ने इदारे को पैसा है कि वो देने तक काम हो गया ये दो काम कोई नहीं सिर्फ ले दे के एक जुबान है जी हाँ वो तुसा को माइक्रोफोन है जिसने जरिया तुसा करी सकने हो दसी सकने हो नुमाया करी फिर तुसा वो इस तरह नुमाया करी सकने हो इस तरह निशानदेही करने हो कि वो शायद किसी की कन्ने च पै ते जिहड़े लोगों ने कोई मसले मसायल भी हल हो गए छन मिगी दो त्रै मसायल बड़े खास पिन पॉइंट कर सा कि एक तख्त पढ़ी है दरवाता को ग्रां है उस उत्थे तख्त पढ़ी मैं गया एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वास्तै ते उत्थे एक बच्चिया ना मिडल स्कूल सा इंतहाई बुसीदा अद्धिया कंधा टठिया ही सियाँ अद्धे छत कोई नहीं से तो बच्चिया बैठिया पढ़निया सी पईया ग्रह ने बंदे चार पाँच मेरे नाल से तो जो उत्थे ने कौंसलर साहब से वह भी से मैं उतो पूछा भालिया मैं आख्या जी एक है हाल वा इस स्कूल है ना देसी कोई बंदा पूछना भाल लेना कोई नहीं उन्हें आख्या जी कोई नहीं इतने कदा कोई बंदा नहीं आया साल हा साल तू इतने पता ही कोई नहीं महकमे को पता नहीं कोई इतना स्कूल थे आ भी आके कोई नहीं और वह तख्त पड़ी वह ग्रां है कि जोड़ा तकसीम तू पहलू बल्कि उस तू भी अंग्रेजा ने दौर तू भी पहले वो इतनी बड़ी मंडी सी गले नहीं उठा कि सारे आजाद कश्मीर विच इत्थू गला दसना बिल्कुल तजारती मरकज होना चाहिए तजारती मरकज अच्छा आलें जी उसने जो आसार भी खंडरात भी उत्थे मौजूद बिल्कुल वो मैं उत्थे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया लोगों को पूछा भालिया भाई कितने अरसे तू इस स्कूल है नहीं हालत ही है बच्चियाँ बदल वै तो कह होना जो धुप हुई कह गई दसिया बंद कोई छुट्टी करी छोड़ने बच्चियों की अच्छा मैं वापस अच्छी से प्रोग्राम किया तो नशर करने तो पहले मैं सर उसकी एडिट किया बनाया तो मैं अपनी तरफ एक फिक्रा आख्या कि तख्त पढ़ी विच कुड़िया ना एक मिडल स्कूल भी है जरा दूरों तक हो तो प्राइमरी भी नहीं लगना मैं ये फिक्रा आख ही छोड़िया अच्छा वो इतफाक है कि वह फिक्रा किसी महकमा तालीम ने सुनने वाले दिल ही लगा सही तो दुए या त्रीए दड़े उत्थे बंदे पहुंची गए उन्हें आखा यार अब कड़ा स्कूल है जिसने बारे रेडियो लिया गल आखने पे अच्छा तो वह फिर कोई दो चार छे साल गुजरे तो वह बहुत अच्छा स्कूल बनी गया अल्लाह की हूँ उत्थे एक बहुत अच्छा बच्चिया ना आई स्कूल जबरदस्त तो मतलब है असा ना मकसद ये रेडियो ना या मीडिया ना मकसद ये कोई नहीं कि वो कोई असा सोटी तो लगे जबरदस्ती असा को जबान है जी हाँ उस जबान का ही काम करना बिल्कुल भैया अच्छा राय साहब तुम एक गल दसो कि जिस तरह शाह साहब दसने पे कि उस वेले सिर्फ रेडियो होना सा एक जरिया जरा मतलब इंटरटेनमेंट नजरिया लोग सुनने होने से वो रेडियो साज टीवी या इंटरनेट आ केबल मतलब ये सारी चीज आज ने दो ही तुसा कम करने पियो ए तुसा की मुश्किल लगना या तुसा समझो कि उस वेले कम करना मुश्किल सा असल है चोसल है सिर्फ रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से
और आजकल चैनल्स बहुत ज्यादा हुए, चाहे रेडियो ने में चाहे टीवी चैनल्स हुए, मुकाबला बहुत सख्त हुआ। लेकिन एक गल जी मे काफी तकलीफ महसूस होनी इस चीज पर कि अदू मेहनत बहुत ज्यादा सी और ये नहीं सा होना कि जी नसो बस कर काम खत्म करो तो कर नसो करने मामला भी चलने रहने से। लेकिन आजकल ना ज्यादातर रुझान ही गया वा कि दिलचस्पी खत्म हुई गई भी बस ठीक है रूटीन वर्क वा रूटीन ने काम किए और करांदर गया बस ये सोचना रहा कि हुण कर गए सा अगली एक्टिविटी क्या होसी आजकल माहौल नहीं रहा बिलकुल भी। ज्यादातर जो प्रोग्राम चलने पे बस रवानी च चलने पे हालांकि उन्होंने पर तवज्जो देन तो बहुत अच्छे हो सकने आइडियाज शेयर हो और जिस तरह एक दिलचस्पी होनी प्रोग्राम में अगर वो बेहतर बेहतरी हुई सकनी यानी कि तुसा इस दौर भी समझने हो कि अगर तवज्जो दीती गछे रेडियो ने प्रोग्राम पर तो वो पहले ला मुकाम हासिल कर ही सकना है बिल्कुल हासिल कर ही सकना। लिसनिंग तो उसा तरह ही है लोका नहीं लोग सुनने बहुत है ग्रांदर बहुत सुनने और चूंकि रीजनल लैंग्वेज ना स्टेशन वा इसने पर लोका ने ज्यादा तवज्जो होनी और लोका की ठीक है म्यूजिक एक हद तक पसंद होना लोका की बटवारे बारे जिसने सकाफत ने बारे भी पता लगना चाहिए और लोग सुनने दिलचस्पी नाल सुनने अच्छी चीजा की अजय भी पसंद करने से। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਇਸ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਵਲ ਰਵੇਲ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਠਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਠਵਾਰੀ ਸੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਠਵਾਰਨੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਈ ਪਠਵਾਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਖਾਤੂਨ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ तो इस वजह तू मिकी दिते गए क्योंकि आज माड़े वालिद साहब से उन्हें तो बाद एक फयाज कियानी साहब आए थे उस तू बाद मैं आई हूँ तो इस वजह तू मिकी दिते गए। उर्दू प्रोग्राम भी मैं कर नहीं रही हूँ बल्कि मिकी आके आएगा सना कि मैं शायद उर्दू बोलनी है तो मैं लगना कि मैं उर्दू स्पीकिंग है तो उस तू इलावा मैं उर्दू प्रोग्राम भी शौक नाल कर नहीं रही हूँ मिकी इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगना और चाहे वह पठवारी च आ चाहे उर्दू च वा और ज्यादातर मैं इंटरव्यू ने प्रोग्राम भी करनी सही तो क्या कम करने दौरान प्रोड्यूस करने दौरान प्रोग्राम प्रोड्यूस करने दौरान तुसें कोई मुश्किलात ना भी सामना तुसें की करना पड़ना आजकल टेक्नोलॉजी इस किस्म नहीं आ गई हुई कि तुसा एक एक जुमला एक लफ्ज कोई ऐसा वा उसकी आराम नाल एडिट करी सकने हो वो एक स्पूल सिस्टम होना वा स्पूल पर काम करने वा तुसा की रिकॉर्डिंग रोकनी पैनी होनी सी कि जी हुण रुको और फिर उस तो बाद रहसी। लेकिन हुण चूंकि बहुत आसानी हुई गई मीडिया विच भी और इस टेक्नोलॉजी की वजह तू बहुत आसानी हुई गई हुण इतनी मुश्किलात नहीं रही जिसकी वजह तू रिकॉर्डिंग विच कोई मुश्किल होनी वा इस तरह नहीं शायद साहब भी रनमाई करना रहना सुने जी बिल्कुल इन्हें नहीं रनमाई नाली मैं चलनी पी हूँ और मैं बड़ा अच्छा लगना जिस तरह मैं इन्हें को गाइडेंस की नहीं हूँ उस जमाने और इस जमाने ने हालात चूंकि डिफरेंट है बहुत मुख्तलिफ है लेकिन मैं बहुत रनमाई अच्छी मिलनी जिसकी वजह तो प्रोग्राम भी माड़े बेहतर होने मैं आपू ना भी आखनी बाकी जो सुनने ने लोग भी वो आखने सही प्रोग्राम बेहतर जो करने रिस्पॉन्स मिलना अच्छा तो शायद साहब उसकी तारीफ करना है जी हाँ तारीफ तो करने लेकिन एक सेहतमंद तनकीद भी करने कि जिसने तुम्हें किरण भाई मिला कि अगली दफा मैं इस तरह नहीं करना अगली दफा इस प्रोग्राम के इस तरह बेहतर करना या एक प्रोग्राम इस तो ज्यादा बेहतर हो सकना सा या ये अच्छा होया उसने भी अप्रिशिएट करना सही। अच्छा शाह साहब उन उस तू अगे ना सफर असन नाज़रीन की दसो जमहूरनी आवाज़ सुबह जमहूरनी आवाज़ में भी ये एजाज भी हासिल है कि रेडियो पासा रावलपिंडी तू 1950 तू किनी तहत जितने प्रोड्यूसर आए उन्होंने मैं वाहिद प्रोड्यूसर हाँ जिसकी कमो बेश 15 साल ये जमहूरनी आवाज़ प्रोग्राम पेश करने का एजाज है तो ये मैं समझना कि यह एजाज मिकी तो थिया कि नहीं ये शायद मारी खमीर जड़ा है जड़ा जड़ी मिट्टी है उस मिट्टी की खिदमत मैं करनी सी और अल्लाह ताला मारे को करानी सी तो मैं पिंडी स्टेशन से आ गया तो पिंडी स्टेशन से मैं जमहूरनी आवाज़ देने लिया दे ही रखा तो मैं करना रहा प्रोग्राम रावल रवेल भी कुछ अरसा किया लेकिन रावल रवेल वास्ते अख्तर इमाम रिज़वी साहब मौजूद से वो करने से प्रोग्राम लिखने से और प्रोड्यूसर भी उसने से
फिर मतलब जमाने नाल नाल इस तरह होया कि फिर तरक्की हुई गई, मैं प्रोग्राम मैनेजर हो गया, फिर डिप्टी कंट्रोलर हो गया, फिर हेडक्वार्टर चला गया, फिर एक जमाना आया कि जिस जदों मैं कंट्रोलर हो गया तो फिर जिस जिस स्टेशन पर मैं प्रोड्यूसर सा या वक्फे सुबह एक फिर असा गल जारी रखसा। नाज़रीन वक्फे सुबह एक बार फिर तुसां दी खिदमत विच हाज़र हो सां, साडे नाल रहिओ।